الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بابر آنے کو ہے اے اہل کشتی نا خدا چن لے زمانے سے جو ٹکرائے وہ ساحل آشنا چن لے زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں انوکھے منزلے کچھ رہنما چن لے اگر شمس و قمر کی روشنی پر کچھ اجارہ ہے کسی بے درد ماتھے سے کوئی تارے ضیا چن لے یقیناً اب عوام عدل کی زنجیر جھٹکے گی یہ بہتر ہے کہ مجرم خود ہی جرموں کی سزا چن لے واجب الاحترام عزیزان گرامی آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 15ویں پارے سورہ اسراء اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पेश की। कुरान करीम की इस आयत में दो ख़ास वाक़ियात की तरफ इशारा है। ये दोनों वाक़ियात इस्लाम के फलने फूलने का ज़रिया बने। एक हिजरत मदीना की तरफ इशारा है और दूसरा हक छा जाए इसकी तरफ इशारा है। हिजरत मदीना के बाद जिस कसरत से लोग इस्लाम में दाखिल हुए वो अपनी मिसाल आप है। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, आपने लोगों को देखा कि वो अल्लाह के दीन में फौज दर फौज, जोग दर जोग, क्राउड की सूरत में दाखिल हुए। हिजरत और जिहाद से पहले लोग मुसलमान हुए लेकिन वो बहुत कम थे और वो गिने चुने लोग थे। लेकिन हिजरत और जिहाद की बरकत से कौमों की कौमें, पूरे पूरे कबाइल, पूरे पूरे लश्कर, पूरे पूरे देहात, पूरे पूरे मुल्क इस्लाम में दाखिल हुए। कुरान करीम की इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत की इजाज़त दी गई, मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीने की तरफ रखते सफ़र बांधने लगे तो ये एक दुआ सिखलाई गई कि आप यूं कहें, अदखिलनी मुदखल सिदकिन, अल्लाह मुझे दाखिल कर सच्चाई वाले तरीक़े से, अखरिजनी मुखरज सिदकिन, मेरा निकलना भी सिद्क और वफा के साथ हो, मक्के से मेरा निकलना भी हक के लिए और मदीने में मेरा दाखिल होना भी हक के लिए। वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और अपने पास से मुझे कुव्वत अता कर, गलबा अता कर, इक्तिदार अता कर, ताकत अता कर, अथॉरिटी अता कर कि हम इस्लाम को नाफिज करने में सहूलत के साथ आगे बढ़ सकें। और फिर यूं भी फरमा दीजिए कि हक आ गया, बातिल चला गया, और बातिल तो है ही मिटने को, हक के सामने बातिल घुटने टेक देगा, हक के सामने बातिल रेत की दीवार साबित होगा, हक के सामने बातिल मिट्टी का ढेर बन जाएगा, हक के सामने बातिल अपनी शिकस्त तस्लीम करेगा, हक के सामने बातिल मिलिया मेट हो जाएगा, हक के सामने बातिल पेवस्ते ज़मीन हो जाएगा, हक के सामने बातिल खाक में मिल जाएगा, हक के सामने बातिल बेबस नज़र आएगा। ये अल्लाह ने कुरान में
15वें पारे में सूरतुल इसरा और बनी इसराइल में 1442 साल पहले बयान कर दिया। हाँ, एक शर्त है तुम्हारे गालिब आने की कि पक्के मोमिन बनकर दिखाना होगा। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्ही गालिब आओगे अगर पक्के मोमिन बनकर दिखाओगे। भाई बाहर का मौसम आता है, दरख्तों पर फूल नजर आते हैं, पत्ते नजर आते हैं, शाखें फलों से और फूलों से और पत्तों से लदी हुई झुकी हुई होती हैं, घनी छांव होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, खूबसूरत जाज़िब नज़र मंज़र होता है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है, ये मंज़र आँखों को खुशनुमा और इंसान को दिलरुबा लगता है। लेकिन हमें इस दरख्त की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। इस दरख्त पर जो बहार आई, इस दरख्त पर जो रंग आया, तो इसके पीछे इसकी कुर्बानियाँ क्या हैं। जब हम पीछे जाते हैं तो खिजां का मौसम है, सर्दी का मौसम है, -20 डिग्री यख और चिल्ड हवाएं चल रही हैं और पत्ते गिर रहे हैं और पत्ते हरे हरे हो रहे हैं और पत्ते चूरा चूरा हो रहे हैं और वो दरख्त बिल्कुल ऐसे इस्तेकामत के साथ खड़ा हुआ है, ठंडी हवाओं को बर्दाश्त किया है, चिल्ड हवाओं को बर्दाश्त किया है, लू और गर्म हवा को बर्दाश्त किया है, बूंदाबांदी को बर्दाश्त किया है, तूफानी हवाओं के झक्कड़ विंड को बर्दाश्त किया है, आंधी को बर्दाश्त किया है, रेत के थपेड़ों को बर्दाश्त किया है, रात की तारीकी को बर्दाश्त किया है, सूरज की गर्मी को बर्दाश्त किया है, सूरज गिरन को बर्दाश्त किया है, उसने इस्तेकामत का मुजाहिरा किया। आज अल्लाह ने इसे नवाज दिया है। मोमिन भी अगर हालात के सामने डट जाएगा, इस्तेकामत दिखाएगा, अल्लाह इसे गलबा अता करके दुनिया को दिखाएंगे। जैसे आज हमारे पड़ोसी मुल्क में अल्लाह ने मुसलमानों को, तालिबान को गलबा और फतह दिखा दी, सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी बेबस हो गई, हक गालिब आ गई। तो ये सारी बातें कुरान में पहले से हैं। ये जो अदखिलनी मुदखल सिदकिन, मैंने अर्ज किया कि हिजरत की तरफ इशारा है, तो उस जमाने में मुसलमान और मुनाफिक में फर्क करने के लिए दो पैमाने थे। कितने पैमाने थे? दो। एक पैमाना हिजरत का और एक जिहाद का। उस जमाने में हिजरत फर्ज थी और बाज हालात में जिहाद भी फर्ज था। जो हिजरत कर लेता वो पक्का मोमिन, जो जिहाद कर लेता वो पक्का मोमिन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, आप किसी शहर से निकल रहे हो सिद्क व वफा के साथ, आप किसी शहर में दाखिल हो रहे हो सिद्क व वफा के साथ। मुसलमान जब फातेह बनकर, गाजी बनकर, जीत कर कहीं जाता है तो अफरा तफरी नहीं फैलाता, इंतशार नहीं करता, फसाद नहीं बरपा करता, औरतों पर जुल्म नहीं होता, बच्चों को कत्ल नहीं किया जाता, बूढ़े लोगों की बेइज्जती नहीं की जाती,
किसी की इबादत गाह में तोड़फोड़ नहीं होती, अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि जान के दुश्मनों को आम माफी का ऐलान किया जाता है, जैसे फतेह मक्का में हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के झुरमट में चमकती तलवारों के साथ फातेह बनकर जब आए थे तो ऐलान किया था, ला तसरीब अलैकुम अलयौम, आज किसी पर मलामत नहीं, आज किसी से बदला नहीं, आज किसी से इंतकाम नहीं, आज किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। जो घर का दरवाज़ा बंद करे उसको अमान है, जो अबू सुफियान के घर आए उसको अमान है, जो बैतुल्लाह में आ जाए उसको अमान है, जो अपना असलहा हवाला कर दे उसको अमान है, जो सरेंडर कर दे उसको अमान है, जो इस्लाम में दाखिल हो जाए उसको अमान है। सलाम उस पर, सलाम उस पर जान के दुश्मनों को जिसने अमा दी, सलाम उस पर खून के प्यासों को जिसने अमा दी, सलाम उस पर दुश्मन को हयाते जांवेदा दे दी, सलाम उस पर अबू सुफियां को जिसने अमा दे दी, सलाम उस पर जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों से जिसने फरमाया ये मेरे हैं, सलाम उस पर फिजा जिसने ज़माने की बदल डाली, सलाम उस पर जिसने कुफ्र की कुव्वत कुचल डाली, सलाम आमना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नोए इंसानी। हम भी कभी न कभी कहीं न कहीं दाखिल हो रहे हैं या निकल रहे हैं, घर में दाखिल हो रहे हो सिदिक के साथ, घर से निकल रहे हो सिदिक के साथ, मस्जिद में दाखिल हो रहे हो सिदिक के साथ, मस्जिद से निकल रहे हो सिदिक के साथ, एक मुल्क में दाखिल हो रहे हो सिदिक के साथ, एक मुल्क से निकल रहे हो सिदिक के साथ, मुसलमान हर हालत में सिदिक पर, सच्चाई पर, वफा पर कायम रहता है। इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अज़्ज़वाजिर अन इक्तिराफिल कबायर में लिखा है कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की कि अल्लाह ने किसी एक नबी को वही भेजी, कुल लिकौमिक, कि ए नबी अपनी कौम से कह दो, ला तदखुलू मदाखिल आदाई, मेरे दुश्मनों की जगहों में उनके पास दाखिल नहीं होना, वला यलबसू मलाबिस आदाई, मेरे दुश्मनों वाला लिबास नहीं पहनना, वला यरकबू मराकिब आदाई, दुश्मन की सवारियों की तरह सवारी न करना, वला यतअमु मताइम आदाई, दुश्मनों की तरह खाना पीना न करना, फयकूनु आदाई कमा हुम आदाई, वरना तुम भी मेरे दुश्मन बन जाओगे जैसे वो मेरे दुश्मन थे। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से शुमार किया जाएगा। हमारा खाना पीना, हमारा सोना जागना, हमारा चलना फिरना, हमारा रहन सहन, हमारी आदत और रतवार, हमारी तहजीब और तमद्दुन, हमारी सकाफत और कल्चर, हमारा ओढ़ना और बिछोना, हमारी माशरत और मईशत,
हमारी बोल चाल, हमारा किरदार गुफ्तार, हमारी सूरत सीरत, हमारी तिजारत, हमारा जिहाद, हमारी हिजरत, हमारी तबलीग, ये सारी चीज़ें सुन्नत के सांचे में डली हुई हो। अदखिलनी मुदखल सिदकिन, अखरिजनी मुखरज सिदकिन का यही मतलब है। और फिर फरमाया वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, अल्लाह मुझे दे अपने पास से एक गलबा, एक इख्तदार, एक ताकत, एक अथॉरिटी, एक पावर, एक इख्तियार, एक तसल्लुत। क्यों? कि मैं हक को नाफिस कर सकूं। यानी मुसलमानों को जब खिलाफत मिलती है, मुसलमानों को जब इख्तदार मिलता है, मुसलमानों को जब हुकूमत मिलती है, तो वो इसलिए मिलती हैं कि ये इस्लाम को नाफिस करेंगे। और इस्लाम सबसे पहले हुक्म क्या देता है? अकामुस्सला, वो नमाज का निज़ाम कायम करेंगे। आतुस्ज़का, ज़कात का निज़ाम कायम करेंगे। तो ये गलबा और इख्तदार, इसकी भी दुआ मांगी गई। जब आपके पास इख्तियार होगा तो आप इस्लाम को नाफिस कर सकेंगे, वरना दीन पर चले बग़ैर जन्नत का ख्वाब देखना हमाकत है। जैसे कोई मस्जिद में बग़ैर वुजू के नहीं आ सकता, नमाज में बग़ैर वुजू के दाखिल नहीं हो सकता, इसी तरह जन्नत में भी गुनाहों के साथ दाखला मुमकिन नहीं है। बाज़ फ़ुक़हा ने लिखा कुल्लु बलदतिन यकूनु फ़ीहा अरबा, कि हर वो शहर जिसमें चार चीज़ें होती हैं तो अल्लाह की मदद उतरती है। एक इमामुन आदिल, ऐसा हुक्मरान जो अदलो इंसाफ के फैसले करता है, ला यज़लिम, जुल्म नहीं करता। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अमीरुल मोमिनीन हैं, 64 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराने वाले हैं। एक दफ़ा खुतबे में खड़े हो गए और खुतबे में कहने लगे कि बैतुल माल में हम अपनी मर्ज़ी से तसर्रुफ करेंगे, जिसको जी चाहेगा देंगे और जिसको जी चाहेगा नहीं देंगे। इस तरह की बातें की, किसी ने उठकर रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरे जुम्मे को फिर मिंबर पे खड़े हुए, कहा हम बेतुल माल में अपनी मर्जी से तसर्रुफ करेंगे, जिसको जी चाहेगा देंगे, जिसको जी चाहेगा नहीं देंगे। फिर कोई उठकर खड़ा नहीं हुआ, रद्द अमल जाहिर नहीं किया। तीसरे जुम्मे को फिर खड़े हुए और फिर यही बात दोहराई, हम बेतुल माल में अपनी मर्जी से खर्च करेंगे, जिसको जी चाहेगा देंगे, जिसको जी चाहेगा महरूम कर देंगे। एक आदमी खड़ा हो गया, कहा हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, आप बेतुल माल में अपनी मर्जी से तसर्रुफ नहीं कर सकते, आप अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, आपको नबी के तरीके पर चलना होगा। इस तरह की कुछ बातें की। जब खुतबा ख़त्म हुआ, नमाज से लोग फारिग हुए, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इसको मेरे पास ले आओ, ख़ास कमरे में। उसको ले गए, लोग परेशान हो गए, अभी तो इसकी खैर नहीं, अभी इसकी गर्दन काट देंगे, इसको जेल में डाल देंगे, इस पे जुर्माना लगा देंगे, इसकी बेइज्जती हो जाएगी, इसने तो खुतबे में खड़े होकर रद्द अमल जाहिर किया। लोग ज
जब अंदर गए तो देखा अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने उस आदमी को अपने साथ अपने तख्त पर बिठाया हुआ है और लोगों को कहा इन नहाजा अहयानी अहयाहुल्लाह, इसने तो मुझे जिंदा किया, अल्लाह इसे जिंदा करे, इसने तो मुझे जिला बख्शी, अल्लाह इसको तरोताज़ा रखे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना था कि ऐसे हुक्मरान जब गलत काम करें और कोई रोकने टोकने वाला ना हो तो ऐसे हुक्मरानों को जहन्नम में गिराया जाएगा, वो बंदर की तरह छलांगे मारते रहेंगे। तो मैंने जानबूझकर पहले जुम्मे में ये बात की कि मुझे कोई रोकता टोकता है या नहीं, किसी ने नहीं रोका टोका, मैं बड़ा परेशान हुआ। दूसरे जुम्मे फिर से वो बात दोहराई, कोई रोकता टोकता है या नहीं, किसी ने नहीं रोका टोका, मैं और परेशान हो गया। लेकिन तीसरे जुम्मे जब मैंने ये बात की, इसने रोका टोका, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन हुक्मरानों में से नहीं हूँ। आज भी मेरी रियाया में ऐसे लोग मौजूद हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, इमाम आदिल ला यज़लिम, ऐसा इमाम जो अदल करने वाला हो, ऐसा हुक्मरान जो जुल्म नहीं करता, जब तक वो ज़मीन पर रहता है अल्लाह का अजाब नहीं आता। और दूसरा आलिमुन अला सबीलिल हुदा, वो आलिम जो हिदायत पर जमा हुआ हो, जब तक ऐसे उलमा मौजूद रहेंगे अल्लाह का अजाब नहीं आता। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जब तालिब इल्मों को अपने पास आता देखते तो उनका इस्तकबाल करते, फरमाते मरहबं बिकुम, खुश आमदेद, वेलकम, यनाबीउल हिकमा, तुम तो हिकमत के चश्मे हो, मसाबीहु जुल्मा, तुम तो अंधेरी रात में चराग हो, खिलकानु सियाब, तुम्हारे कपड़े तो पुराने हैं, जुददुल कुलूब, लेकिन दिल तुम्हारे नरम और ताज़ा और चमकदार हैं, तुम अपने घरों में बैठे हुए हो इल्म हासिल करने के लिए, रेहानु कुल्ल कबीला, हर कबीले की तुम फूल और खुशबू हो। तो उलमा भी हिदायत पर जमे हुए हो, अल्लाह की मदद शामिल हाल होती। और तीसरा मशाइखुन, ऐसे नेक लोग, यअमुरून बिलमारूफी वयनहून अनिल मुनकर, लोगों को सही बात का हुक्म दे, लोगों को बुरी बात से रोके, अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर का शोबा कायम हो, और युहर्रिजून अला तलबिल इल्म, लोगों को इल्म हासिल करने पर उबारे। ऐसे मशाइख भी जब तक मौजूद होंगे अल्लाह की मदद होगी। और चौथे नंबर पर निसाउहुम मस्तूरात, जब तक उम्मत की औरतें पर्दे में होगी अल्लाह की मदद आएगी, जब इनका पर्दा ख़त्म हो जाएगा अल्लाह की मदद उड़ जाएगी। अगर कोई ये कहता है कि जी औरतों को तमाम हुकूक हासिल होंगे, औरतें स्कूल में पढ़ भी सकती हैं, पढ़ा भी सकती हैं, औरतें ज़रूरत के लिए महरम के साथ घर से निकल भी सकती हैं, औरतें मजबूरी में काम कर भी सकती हैं, लेकिन इस्लाम के दायरे में पर्दे के साथ, तो ये लोग कहते जी ये औरतों के हुकूक को सलब किया जा रहा है, पर्दे की पाबंदी क्यों लगाई है? मैं पूछता हूँ, यूरोप के बाज मुल्कों में औरतों के हिजाब पर पाबंदी है, तुम हिजाब नहीं ओढ़ सकती, तुम बुरका नहीं पहन सकती, तुम जुब्बा नहीं पहन सकती, तुम चेहरे को नहीं छुपा सकती, तुम दस्ताने नहीं पहन सकती, मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो? अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाते हो, फिर उनका जिस्म उनकी मर्जी, वो बुरका पहने, वो हिजाब पहने, वो स्कार्फ पहने,
वो दस्ताने पहने वो घरों में रहे या वो घरों से न निकले, तुम तशद्दुद करते हो। ये जमीन अल्लाह की, इस जमीन पर निजाम अल्लाह का चलेगा। अल्लाह ने जो हुकूक दिए हैं उन हुकूक के दायरे में रहकर औरतों को हुकूक मिलेंगे। ऐसे हुकूक नहीं कि जो अल्लाह के हुकूक से जाकर टकराए। तो फरमाया कि बापर्दा औरतें रहेगी अल्लाह की मदद आएगा। हदीस में आता है क़यामत के करीब ऐसा ज़माना आएगा, कासियातुन आरियातुन, औरतें कपड़े पहने हुए होगी फिर भी नंगी होगी, कपड़े छोटे होंगे, तंग होंगे, बारीक होंगे, फैशनेबल होंगे, डिज़ाइनिंग वाले होंगे, खुशबू लगाकर निकलेगी, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी। तो इस्लामी धरती पर इसकी गुंजाइश नहीं। ऐसी बेहयाई फैलाने वालों के लिए अल्लाह करीम ने अपनी किताब कुरान हकीम में सूरत नूर 18वें पारे में सजा बताई, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअ अल्फाहिशा, वो लोग जो मुसलमानों में बेहयाई फैलाते हैं उनके लिए दुनिया में भी अजाब आखिरत में भी अजाब है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा कि अल असारु गालिया अन निसाउ आरिया अल मसाजिदु खालिया व अहकामुल्लाहि लागिया, चीज़ें महंगी हो गई, कीमतें आसमान तक पहुंच गई, डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन ब दिन नीचे गिर रहा है, अफरात ज़र की शरह में तब्दीली हो रही है, हर पाकिस्तानी का कर्जा जो उसके ऊपर है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, करप्शन और बदनवानी उरूज पर है। हदीस में आता है बुरा बंदा है वो जो माल स्टॉक करे, ज़खीरा करे, स्टोर करे इस नीयत से कि महंगा होकर बेचूंगा। तो फरमाया कि कीमतें महंगी हो गई, अन्निसाउ आरिया, औरतें बेलिबास हो गई। अकबर इलाह आबादी ने चंद औरतों को बेपर्दा बाजारों में फिरते हुए देखकर क्या फरमाया था, कल बेपर्दा आई जो नज़र चंद बीबियाँ, अकबर गैरत कौमी से ज़मीं में गड़ गया, पूछा जो उनसे तुम्हारा पर्दा क्या हुआ, कहने लगी अकल पे मर्दों के पड़ गया, अकल पे मर्दों के पड़ गया। तो फरमाए औरतें बेलिबास हो जाएगी। अल मसाजिदु खालिया, मस्जिद खाली हो जाएगी। आप कहते जुम्मे में तो बरी होती है, यही नमाजी फजर में कहाँ होते हैं, यही नमाजी बाकी नमाजों में कहाँ होते हैं, और जो मस्जिद में हैं ये 15-20% हैं, जो बाहर घरों में, दफ्तरों में, दुकानों में, मार्केटों में, पार्क्स में हैं वो 80% हैं। और दूसरी हदीस फरमाया जो मस्जिद तुम्हें भरी हुई नज़र भी आए उनके दिल ईमान से खाली होंगे, सही नमाज पढ़ने वाले उसमें भी गिने चुने होंगे, दिल का प्याला खाली करके आने वाले भी गिनती के चंद लोग होंगे, जिनकी नमाजें उसके यहाँ शर्फ़े कबूलियत पाले वो फिर भी बहुत कम होंगे। और आखिरी चीज़ अहकामुल्लाहि लागिया, अल्लाह के अहकामात को छोड़ दिया जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्लाम में वो मुहर्रम हो रबीउल अव्वल हो, वो शाबान हो या के रमज़ान हो, वो शहादत फारूक आज़म हो या शहादत उस्मान ज़ुन्नूरेन हो, वो मैदान करबला हो या शहादत हुसैन का पैगाम हो, वो हज़रत हसन की सुलह हो या अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की सियासत और तदब्बर हो, वो सहाबा इकराम का जिहाद हो या सहाबा इकराम की तबलीग हो, वो मक्के का मंजर हो या वो मदीने के गली कूचे हो,
वो हुदैबिया के मकाम पर बैत हो या फतह मक्का के मौके पर ला तसरीबा अलैकुम अल्यौम का ऐलान हो, वो बदर में मुसलमानों की जवा मर्दी हो या ओहद में चांद से हसीन चेहरे का जख्मी होना हो, वो फतूहात की बारिश हो या शाबी तालिब में पत्ते चबाना हो, इन सब का मकसद क्या है? एक ही मकसद है कि रूए जमीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज हो, धरती के सीने पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का लाया हुआ निज़ाम घर घर तक पहुंच जाए, हर बदन पर सुन्नत की झलक नज़र आए, हर चेहरे पर सुन्नत का नूर नज़र आए, हर सर पर सुन्नत का अमामा नज़र आए, हर कारोबार में सुन्नत की बहारें नज़र आए, हर शादियों में सुन्नतों का अक्स नज़र आए। ये मुसलमानों का मकसद है, अल्लाह के अहकाम को नाफिस करना, अल्लाह के अहकाम के लिए जद्दोजहद करना, पूरी ज़िंदगी करना, पैदा होने से लेकर मौत तक और बचपन से लेकर पचपन तक और इनफरादी ज़िंदगी से लेकर इज्तिमाई ज़िंदगी तक और खिलवत से लेकर जलवत तक और माशरत से लेकर मईशत तक मुसलमान अल्लाह के हुक्म पर चले, नबी की सुन्नतों को अपनाएं, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस कौम की तरक्की के लिए और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के लिए, खुसूसन इस वक्त जो अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान को अल्लाह ने गलबा दिया है, उनकी इस्तेकामत के लिए हम दुआएं करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।